हेलो गैस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोग को लेके आया है गर्म पानी में। तो गैस अभी एंटी कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग गर्म पानी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मतलब कुछ रेट्स लिखे हुए हैं। सो जैसे आपको मैंने जैसे शुरू में वहाँ पे दिखाया था एक ब्रिज है और ये डेफिनेटली मतलब पहुँच चुका है गर्म पानी, आपको आगे भी दिखाएंगे। जैसे गैस देख सकते हैं ये जो चारों तरफ से जो सीढ़ी बना के रखे हुए, इसके अंदर तालाब है, वहाँ उबलता हुआ पानी आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको लेके पहुँच गया यहाँ पे। आते हैं जो गर्म पानी का मतलब ये पानी का नज़ारा देखने को, क्योंकि काफ़ी तेज। मैंने जो आपको बताया था जैसे हो सकता है। सो भाई साहब आपका नाम एक बार जान सकता हूँ? हमारा नाम है मिठू खान। आप कौन सा जगह से हैं? डेढ़गांव रंगामाटी। रंगामाटी, तो इतना दूर से मतलब यहाँ पे आया जैसे ये गर्म पानी देखने के लिए? नहीं आया, पहले भी आया, अभी भी आता है, मन अच्छा लगता है यहाँ पानी। अच्छा, ये पानी तो सचमुच का गर्म है ना? गर्म ही है। गर्म है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये पानी गर्म नहीं है, ऐसे बहाना है। गर्म है ना? अच्छा नहीं, हम बचपन से ही आ रहा है, छोटा से ही आ रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये आप बाबू बोलो आपका नाम? मेरा नाम यश है, मैं रंगामाती से हूँ। हाँ, डेरगा और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है। और आप लोग बोल रहे हो कि इधर में सब कोई झूठ बोलता है कि गरम पानी नहीं मिलेगा, गरम पानी नहीं है इधर सचमुच का गरम पानी है। सो गाइस देख सकते हैं इतना छोटा बच्चा, लेकिन अगर गलत होता है तो ये भी बोलता ना कि पानी गर्म नहीं, आप लोग झूठ बोला है, क्योंकि छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। अब देखिए वो भी बोल रहा है, क्योंकि आप लोग को भी विश्वास होना चाहिए कि पानी गर्म है। पानी गर्म है, कितना साल कह देना, कितना बीत गया होगा साल, इसको गर्म पानी रहता है हमेशा से ये। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं पानी गर्म नहीं है, कोई नीचे में मोटर लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। दूर से भी आदमी आता है, फॉरेन से भी आ जाता है देखने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये पानी सचमुच का गर्म है? गर्म रहता है पानी, हमेशा गर्म रहता है ये पानी। पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग, जैसे एनपी से मेरा कुछ दोस्त लोग आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आदमी लोग बोलते हैं ना ये पानी गर्म नहीं है, आज ये भाई साहब लोग से पूछते हैं, क्या भाई साहब पानी कैसा है? ये एवरेज है, हॉट वाटर है, अराउंड 45-48 का टेम्परेचर होगा वाटर का। ड्रॉप अपने छत घर के जो टेरिस में टंकी लगी होती है ना, स्टोर वाटर रहता है मोस्टली, 38-40 समथिंग होता है नॉर्मल है, तो उससे थोड़ा हाई है, लेकिन हाई की फेमस लोकेशन है ये यहाँ पे, हॉट वाटर की बोलते हैं, गर्म पानी करके बोलते हैं यहाँ पे। तो सर हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान करके आए थे, तो हम लोग उसको देखने आए आज। मतलब आप इतना दूर से एनपी से यहाँ पे आया हुए गर्म पानी देखने के लिए? पर्सनली हम लोग फेमस लोकेशन को चेक करने के आए थे, ऐसा है क्या? अच्छा, नॉर्मली ऐसी लोकेशन में होता नहीं है, लेकिन देखा तो वाकई सच है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बुलबुले हो रहे हैं, वहाँ पे बबल आ रहे हैं, वहाँ पे एयर बबल बोल सकते हैं आप उनको। क्या दोनों दोस्त को लेके आपको कैसा लग रहा है और असम कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा एक देखने वाला अच्छा प्लेस ना, तो इन लोगों को घुमाने के लिए लाया हूँ, और इन लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा देख के, मतलब हम भी प्राउड फील कर रहे हैं हमारा असम में ऐसा एक टू चीज़ भाई अपना। हाँ ये भाई, अच्छा अच्छा, बस इतना ही बोलूँगा, असम में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लोगों को एक बार यहाँ पे आना चाहिए कम से कम लाइफ में। जरूर जरूर, इंडिया में अगर रहते हो तो एक बार असम नॉर्थ ईस्ट आए, गर्म पानी जरूर घूमें। जरूर, थैंक यू। वर्किंग है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी। जरूर, होगा तो हम लोग आपको जो भी आ रहा है घूमने उसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि वो लोकेशन पे एक बार देख पानी जरूर आए, और आसाम में देख पानी भी आए। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। के सामने में यहाँ पे एक हावड़ा ब्रिज भी है, जो सेकंड हावड़ा ब्रिज, तो आपको दिखाते हैं एक बार, चलिए मेरे साथ में, बने रहिए। और ये रहा हावड़ा ब्रिज, यहाँ पे एक लोहा का ब्रिज है, काफ़ी सुंदर है हावड़ा ब्रिज का जैसा, बीच में कोई पोस्ट नहीं है। जैसे मिडिल में आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब नीचे में कोई पोस्ट नहीं है, सो दोनों तरफ से पोस्ट है जैसे हावड़ा ब्रिज का स्टाइल में है। तो आप लोग जरूर आके गर्म पानी को ये ब्रिज का भी सफ़र करा दिए,
आप लोग गर्म पानी आएंगे तो ज़रूर ये ब्रिज का भी सफ़र करना। चलो गर्म पानी में आके यहाँ पे सीढ़ी का मज़ा ले रहे हैं।